Good girl, yeah. Yes, stop. हाल ही में लूसी ने 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। भगवान की दया से इनकी सेहत भी ठीक है और इनको बहुत प्यार मिल रहा है, पर फिर भी हम नहीं चाहते थे कि ये पैदा हों। अब देखिए ना, जब भी कोई पैदा होता है तो उसके दुख झेलने की, दर्द झेलने की एक संभावना होती है, खासकर उनकी जो अभाव में पैदा हुए हैं या कमज़ोर है, जिनके सर पे छत नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर पैदा ना हो तो सुख भी तो नहीं भोगेंगे, पर मेरा कहना ये है कि भाई अगर आप पैदा हुए ही नहीं तो आप थोड़ा महसूस करेंगे कि आपने सुख नहीं भोगा। अब कई लोग कहेंगे तो भाई ऐसे तो इंसान भी बच्चे पैदा करना बंद कर दे, पर देखिए एक इंसान और जानवर में बहुत बड़ा फर्क ये है कि जानवर बेचारा किसी का दुख कम करने की वो क्षमता नहीं रखता जो एक संस्कार वाला इंसान रखता है। पर अगर हम दुख कम करने की बात करते हैं, खासकर वो भी जानवरों का दुख, तो ले देके 3 ही तरीके हैं ना कि भाई जीवन में कुछ ऐसा ना करो जिससे किसी को दर्द हो, दूसरा ये कि भाई अगर कोई दर्द में है तो उसकी मदद कर दो, और तीसरा ये कि अगर आप स्टरलाइजेशन कर दें, अगर वो पैदा ही नहीं होते तो उन्हें दर्द होगा भी नहीं। अब हम स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी की बात करें तो लोगों को 3 आपत्तियां होती हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई ये अप्राकृतिक है, तो ये जो विचारधारा है ना कि जो भी प्राकृतिक है वो सही है, मुझे लगता है ये एक अवधारणा है। एक बात बताइए, मच्छर है प्रकृति का हिस्सा है, सांप है प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को उनके काटने से बचाते हैं ना। मच्छरदानी लगाएंगे हम, घर बनाएंगे जिसके अंदर सांप ना घुस सके। तो अगर हम अपना दर्द कम करने के लिए प्रकृति से छेड़ाखानी कर सकते हैं तो दूसरों का दर्द कम करने के लिए क्यों नहीं, खासकर वो भी उस प्रजाति के लिए जो प्रकृति में होती ही नहीं थी। आज से 15,000 साल पहले इंसान ने भेड़ियों को डोमेस्टिकेट करके, ब्रीड करके कुत्तों की एक ऐसी नस्ल तैयार करी जो पूरी तरह हमारे पे निर्भर थी, और फिर हमने उनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। तो कम से कम हम उनकी जनसंख्या की रोकथाम तो करें। फिर अक्सर लोगों की दूसरी आपत्ति ये होती है कि भाई इसका अधिकार हमें किसने दिया। देखिए, या तो हमें अधिकार कानून हमारी जिम्मेदारियों के बदले देता है, और अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो जानवरों की मदद करना, जिसमें स्टरलाइजेशन भी आती है, ना सिर्फ कानूनी तौर पे उचित है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। फिर दूसरे वो अधिकार होते हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं कि भाई हम चैन से जी सके, ये अधिकार हमें भगवान ने दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, जब लोग अंडा खाते हैं या दूध पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तब इन अधिकारों की अवहेलना क्यों होती है, और ये बात तभी ही क्यों ध्यान आती है जब हम जानवरों की मदद करने जा रहे हैं। फिर लोगों की तीसरी आपत्ति ये होती है कि भाई ऐसे तो एक दिन कुत्तों की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है, भारत में अधिकांश कुत्ते जब पैदा होते हैं तो चंद महीनों में ही वो या तो क्रूरता से, ठंड से, भूख से, बीमारी से मर जाते हैं। तो स्टरलाइजेशन से हम किसी की जान नहीं ले रहे, सिर्फ उसको पैदा होने से रोक के उसको एक दर्दनाक मौत से बचा रहे हैं। देखिए, ये सब तो कहने की बात है, असल बात यह है कि हम में से हर कोई पैदा होने, जीने और जन्म देने की एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जो लाखों करोड़ों सालों से बिना टूटे चली आ रही है। इसीलिए जब हम जन्म के रोकथाम की बात करते हैं तो हमें ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, पर हमें सिर्फ जीवन ही नहीं, जीवन के स्तर का भी तो सोचना चाहिए।